हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग किसी पार्टिकल को विद वेलोसिटी यू हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट टी पार्टिकल इज एट द पोजिशन पी, तो उसके साइमल्टेनियसली दो डिस्टेंसेस यानी कि डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल हुए, वन इज वाई अदर इज एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमने इसको थ्रो किया, दैट इज यू। यू कभी भी चेंज नहीं होता, यू नेवर चेंजेस। व्हाई? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमारे इसी चैनल में यूट्यूब के अंदर एक हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसका टाइटल है रेन बेकर प्रॉब्लम। आप उसमें देख सकते हो, उसके अंदर प्रूव किया गया है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को हम कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते, तो हमेशा वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। यू काइंडली सी दैट आल्सो। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हम इसको स्टडी करते हैं, तो एट एनी इंस्टेंट ये सारे कुछ हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग एट एनी इंस्टेंट। तो इसमें व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू यू टी। एक्स इज इक्वल टू व्हाट? यू टी। व्हाट इज टी? एक्स अपॉन यू। इसको नंबर वन इक्वेशन मार्क कर लीजिए। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल। स्टूडेंट्स, वर्टिकली ये नीचे आया, इट्स फॉलिंग एंड एट एन इंस्टेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वाई। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल? जीरो। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल? जी। तो वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई इज जीरो, ए वाई इज हाफ जी टी स्क्वायर। ए वाई का वैल्यू क्या आ गया? जी। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हमने प्लेस किया नंबर टू, तो वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने जी का वैल्यू प्लेस किया, दैट इज एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। हाफ इज कॉन्स्टेंट, जी इज कॉन्स्टेंट, यू इज कॉन्स्टेंट, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। k कौन है? g अपॉन टू यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट्स, द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u अलोंग ox इज फॉलोइंग व्हाट? पैराबोला। एनी क्वेश्चन?